हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एज बायोलॉजी। ओके दोस्तों, हम देख रहे थे क्लास 12th साइंस का चैप्टर नंबर 2, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ओके दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 5 है। पार्ट 1, 2, 4 मैंने पहले हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख लो, मैं उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आई बटन में आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके चलो दोस्तों, आगे देखते टाइम वेस्ट न करते हुए आज का टॉपिक। दोस्तों हमारे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज का टॉपिक हमारा टीएस ऑफ टेस्टिस। ओके टीएस ऑफ टेस्टिस, अभी देखो टीएस का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, पर ध्यान रखो ट्रांसवर्स सेक्शन। टीएस ऑफ टेस्टिस मतलब क्या, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब क्या है, मतलब आपके जो टेस्टिस है उसके अंदर क्या होता है, स्पर्म का ट्रांसफर होता रहता है। मतलब क्या होता है, वहाँ पे मतलब स्पर्म फॉर्म होता है, बाद में उसका मतलब उसको चालू रहता है, फॉर्म होता है, बाहर निकलता है, फॉर्म मतलब चालू रहता है ना वो, इसलिए हम उसे कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ओके तो ध्यान में रखो ये। ओके दोस्तों, मैंने आपको बता दिया टीएस का मीनिंग क्या होता है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्ट नंबर पॉइंट दोस्तों हमारा, द टेस्टिस कंसिस्ट अबाउट 300 लोबिल्स। के अंदर क्या होता है, 300 लोबिल्स प्रेजेंट होता है। अभी देखो लोबिल्स मतलब क्या, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करूँ। देखो आपकी जो बुक में डायग्राम है, ये जो आपकी ये बुक में डायग्राम दी है, ये तो इसमें मतलब लोबिल्स का कुछ दिया नहीं कहाँ पे क्या है, बट मैंने जो डायग्राम निकाली मतलब इंटरनेट से निकाली है, तो इसमें देखो यहाँ पे लोबिल दिया है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ओके तो देखो यहाँ पे, देखो ये देखो यहाँ पे लोबिल्स, देखो यहाँ पे जो लोबिल्स होते हैं ऐसे कहते हैं, ये देखो आपको ये बॉर्डर के दिख रहे हैं ऐसे। ओके तो ये कैसे कितने होते हैं, 300 प्रेजेंट होते हैं। ओके टेस्टिस के अंदर। ओके और उसके अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। देखो उसके अंदर 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल प्रेजेंट है उसके अंदर। ओके इसके अंदर 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब प्रेजेंट है, मतलब उससे ज़्यादा। ओके ये लोबिल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 300 होते हैं। 300 में ईच लोब्यूल के अंदर 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल प्रेजेंट होती है। ओके मतलब 900 के आसपास हो सकती है। ओके 3 अराउंड पकड़े तो हम, ओके तो समझ सकते हो आप मैं कह रहा हूँ। ओके दोस्तों हम देखते हैं हमारे टॉपिक पे आते हैं। ओके तो दोस्तों सेकंड मैंने वही बोला आपको नीचे डायग्राम में, ये देखो ईच लोब्यूल कंटेन अबाउट 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल, उसके अंदर 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल होते हैं। ओके अगर 300 लोब्यूल्स के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल निकले तो टोटल अबाउट 900 सेमिनिफेरस ट्यूबल उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ओके प्रेजेंट इन टेस्टिस। ओके सेकंड दोस्तों पॉइंट दोस्तों हमारा, सेमिनिफेरस ट्यूबल इज अ स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ टेस्टिस, होता है। ओके सेकंड दोस्तों हमारा, ईच सेमिनिफेरस ट्यूबल इज इंटरनली लिंक्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। जो ईच मतलब सेमिनिफेरस ट्यूबल होता है वो मतलब जर्मिनल लिंक होता है, वो जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू किससे लिंक होता है। ओके ईच सेमिनिफेरस ट्यूबल लिंक विद जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। अभी देखो यहाँ पे जो आपको ये ब्लैक बॉर्डर दिख रही है इसके अंदर, ओके ये लोबिस नहीं है, लोबिस ये बाहर का जो स्ट्रक्चर होगा ना, ये पूरा ये स्ट्रक्चर ये लोबिस होता है, पर इसके अंदर एक ब्लैक बॉर्डर दिखिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। उससे वो क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल मतलब इंटरलिंक हुए होते हैं। ओके उसके अंदर, ओके थोड़ा सॉरी। ओके चलो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। ओके तो ये डायग्राम आप ध्यान में रखो, टीएस ऑफ टेस्टिस की जो 5 पॉइंट्स है वो इस स्लाइड में देख लिया। ओके इस स्लाइड में हमने सब कुछ उसका डिस्कस कर लिया। ओके तो अभी देखते हैं हम 6, 7, 8, 9। ओके इसके जो 4 पॉइंट बाकी, इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके तो ये शॉर्ट लेक्चर है थोड़ा। ओके इसके बाद हम टीएस ऑफ ओरी लेने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हमारे। ओके तो दोस्तों देखो, 6 नंबर पॉइंट दोस्तों हमारा, द जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पर्म। ओके जो जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं क्या करते हैं, मतलब मियोसिस के अंडर को जाके क्या फॉर्म करते हैं, हैप्लॉइड स्पर्म फॉर्म करते हैं। ओके हैप्लॉइड स्पर्म फॉर्म करते हैं, ध्यान में रखो। चलो मैं आपको जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे दिखा सकते हो क्या। ओके देखो यहाँ पे दिया है, देखो जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे दिया है। ओके तो पिछले डायग्राम में भी दिया था, पर वो थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा था। ओके देखो जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू इसके अंदर क्या होता है, मतलब जो मियोसिस होता है, ओके तो उसके थ्रू क्या क्या फॉर्म होता है इसके अंदर, हैप्लॉइड स्पर्म मतलब सिंगल स्पर्म फॉर्म हुए होते हैं। ओके इसके अंदर स्पर्म फॉर्म होते, देखो थोड़ा जूम करता हूँ मैं आपको, अच्छे से दिखना चाहिए इसके लिए। देखो यहाँ पे होता है वो, देखो यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ओके स्पर्म फॉर्म होते हैं यहाँ पे। ओके तो मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया। ओके सेकंड दोस्तों हमारे पॉइंट देखते हैं हम, द सर्टोरी सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म, मतलब जो सर्टोरी सेल प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ओके देखो यहाँ पे सर्टोरी सेल भी दिया है। ओके तो जो सर्टोली सेल है दोस्तों, ये सर्टोली सेल ये प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो अपना स्पर्म होता है उसको क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि उसको एनर्जी मिलने के लिए। ओके तो आपको अच्छे से समझ में आ होगा। ओके तो देखो यहाँ पे स्पर्म बंडल दिया होगा कहीं पे। ओके तो ये जो बीच के अंदर दिख रहे हैं आप उसे, ये देखो देखो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या होता है, ये स्पर्म बंडल है। ओके स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। ओके तो उसका नाम आई थिंक दिया इसमें। ओके दोस्तों सेकंड टॉपिक दोस्तों हमारा, ओके तो ये हो गया सेकंड दोस्तों हमारा, इनर्शियल सेल ऑफ सेल लीडिंग प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मतलब जो इनर्शियल सेल होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब मेल सेक्स हार्मोन फॉर्म करते हैं टेस्टोस्टेरोन के थ्रू करते हैं। ओके ध्यान में रखो। ओके टेस्टोस्टेरोन क्यों कहते हैं हम उसे, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन क्यों कहते हैं, टेस्टीज मतलब क्या आपको बताओ, टेस्टीज। ओके उसके स्टेरोन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्पर्म फॉर्म होती है, इसलिए हम उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन।
ओके मेरा ओके सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन, मतलब सर्टोली सेल क्या होता है रेगुलेटर पिट्यूटरी हार्मोन की मदद से हुए होते हैं ओके, और उसे क्या कहते हैं हम FSH, ओके FSH मतलब क्या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब सर्टोली सेल के अंदर क्या होता है स्पर्म को एनर्जी देने का काम करते हैं ओके, उसको न्यूट्रिशन देने का काम करते होता है ओके उसके अंदर, तो उसके अंदर मतलब किसका कौन से हार्मोन का यूज होता है FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का यूज होता है उसके अंदर ओके, तभी वो सर्टोली सेल स्पर्म को एनर्जी देते हैं और तभी वो मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ओके, तो इतना मतलब सिंपल कंसेप्ट था ओके ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना ओके, तो और घंटी का भी लाइक दबाना मत भूलना क्योंकि उससे आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर की जो एपिसोड होगी वो मतलब उसका आपको मतलब मैसेज आता रहेगा ओके, तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टी में, उससे मिले अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं कर दे क्योंकि मैं वहाँ पे सभी एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।